निकालते हो, छतरी ना दया दिखाते हैं, और वन में वृक्ष खड़े सीधे वो ही काटे जाते हैं। इतनी भोली अवस्था में रहोगे काम नहीं चलेगा। अच्छा बिल्कुल कि ये शक्ति तुम्हें समझाते हैं और रक्त देख कप जाते जो और पायुत भूमि नहीं जाते। भोले पन सांसन नहीं चलता ये सत्य तुम्हें बतलाते हैं और जो रक्त देख कर बचाते हैं वो युद्ध भूमि नहीं जाते हैं। जो रक्त देख कपी जाते हैं और वो युद्ध भूमि नहीं जाते हैं। भैया राजेंद्र जी और छत्री ही पत्थर से बन कर और बोलो है से टकर कि रक्त देख कब जाते जो वो युद्ध भूमि नहीं जाते हैं और ये छतरी ही पत्थर से बनकर वो लोहे से टकराते हैं। मेरे भैया जब इतना कहा तो सिद्धार्थ ने कहा भैया आप कहना क्या चाहते हैं। देवदत्त ने फिर से कहा भैया भला मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि मैंने जिसका शिकार किया है वो शिकार शिकारी को दे दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे भैया सिद्धार्थ ने कहा सुनो आज से हमारी तुम्हारी बने या ना बने लेकिन मैं इस पंछी को देने वाला नहीं हूं। सुनो अब ना बनेगी लड़ने को तैयार है मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ऊपर
मैंने क्या किया? भगवान बुद्ध की।